बाला जी, और एक बात है, या आपने जिसे बताया, मोदी जी का हमेशा ये प्रायोरिटी रहा है कि जो ईस्ट इंडिया को वो फोकस में लेते हैं, पूर्व भारत को। तो पूर्व भारत में अगर देखेंगे तो जहाँ से आप हैं, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, ये चार राज्य, ये चार प्रदेश आते हैं। लेकिन ये चारों प्रदेश में भाजपा अपोजिशन में है, मेन अपोजिशन पार्टी, कहीं पर भी सत्ता पर नहीं है। ये चारों प्रदेश से मोदी जी के लिए तो वोट जाता है, लेकिन प्रदेश में सरकार बनाने के लिए भाजपा के लिए वोट नहीं आ पा रहा है। देखिए, ओडिशा में भी यही हाल है, ये इतना करप्शन भरा हुआ है, है ना। मैंने देखा, मजदूर से काम कराने जगह वो मशीन से काम करा रहा है। तो लोग अब मजबूर कर, इनको रोजगार नहीं मिल रहा है तो दूसरा राज्य प्लान हो रहा है। तो यहाँ ऐसा बात नहीं है, जनता अभी समझ चुकी है। अब नेक्स्ट, अब देखिए आगे बढ़ते चलिए। 26 को यहाँ एक साथ महाराष्ट्र का तो आपने देखा कि मोदी जी का काम देख के ही तो लोग मन बदल रहे हैं। अब यहाँ का भी जनता, और यहाँ कुछ जैसे पश्चिम बंगाल हुआ, चाहे उड़ीसा हुआ, यहाँ पुलिस प्रशासन के द्वारा उनके प्रेशर से ही जनता को दबा के ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं। आम जनता के लिए काम नहीं हो रहा है। अगर पुलिस प्रशासन से लगा के, आपका ऑफिसर्स को लगा के अगर जनता का काम किया होता, देखिए इसका जवाब आने वाला दिन मिलने वाला है, जनता इसका जवाब देने वाला है, समय आ गया है। 2024 को यहाँ एक साथ लोकसभा और विधानसभा के लिए चुनाव होना है। देखिए, जनता उसका जवाब इस बार, पिछले बार हम देखे कि यहाँ पर लोकसभा के लिए तो ज्यादा प्रतिशत का वोट मिला, 38% का तक वोट मिला, लेकिन जब एक साथ हुआ था चुनाव, विधानसभा का बात आया तो वो 38 से 32 तक घट गया, और 8 पार्लियामेंट सीट यहाँ से बीजेपी को मिला, उसी हिसाब से असेंबली में सीट नहीं मिला। देखिए, इस बार 2019 के बाद में जिस प्रकार से मोदी जी ने काम किया है, घर घर तक राशन का व्यवस्था किया, वैक्सीन का व्यवस्था किया, और जितना नई नई स्कीम हर महीना कुछ ना कुछ स्कीम लॉन्च करते हैं, और वो गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए हम लोग जो लगे हुए हैं। आज हम यहाँ आने का मतलब है हमारा कि हर योजना को लोगों तक अवेयरनेस करना। मुझे ऐसा भी जगह आया कि रोना भी आ रहा था हमको, कि आज तक भी मजदूर गमछा और अपना शरीर में केवल गमछा है। आज क्यों? देश आज़ाद हुआ, 75 साल हुआ, 75 साल का अमृत महोत्सव हम लोग मना रहे हैं, और ऐसा ऐसा जगह है, 75 साल देश आज़ाद हुआ के लिए आम जनता, गरीब मजदूर, ऐसा ऐसा रिमोट एरिया में है, हम उड़ीसा में देखे, अभी भी आज़ादी का महल, उनको आज़ादी नहीं मिला। क्या चाहिए? स्वास्थ्य चाहिए, शिक्षा चाहिए, सेवा चाहिए, पानी चाहिए, ये अभी भी इस चीज से हमारा यहाँ का आम जनता वंचित है। 22 साल से आप है सरकार में, तो आज क्यों इस चीज से लोग वंचित है, क्यों गिड़गिड़ा रहे हैं हमारे पास, क्यों गिड़गिड़ा रहे हैं? इसका मतलब उन्नति नहीं हुआ, डेवलपमेंट नहीं हुआ, नहीं पहुंचा, विकास नहीं पहुंचा।